सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन ओबरा विधानसभा के जुगैल क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं। लोग अपने रिश्तेदारों से बात करने के लिए पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और फोन पर बात करते इन्हें देखा जा सकता है। नेटवर्क नहीं रहने से डिजिटल युग का लाभ इनको तो नहीं मिल रहा। गांव-गांव तक विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार का सच सोनभद्र जिले में दिखता है, जहां मोबाइल और लैपटॉप तो लोगों के हाथों में है, लेकिन कनेक्टिविटी का क्या कहें। ओबरा विधानसभा के पहाड़ियों के बीच बसे जुगैल के लोगों का तकनीकी युग भी संचार साधनों से संपर्क कटा हुआ है। गांव में पहुंचने के बाद मोबाइल एक खिलौना बनकर रह जाता है। लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं, नेटवर्क मिलाने की कोशिश करते हैं, नेटवर्क मिलता है तो खुश हो जाते हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को विभागीय सूचनाओं के आदान प्रदान में परेशानी झेलनी पड़ती है। इसी गांव की एक महिला की माने तो आसपास के दर्जनों गांव में मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिलता, लेकिन पहाड़ी की चोटी पर या दूसरी ऊंचाई वाली जगह पर मोबाइल का नेटवर्क मिलता है। गांव में अगर किसी को मोबाइल से बात करनी होती है तो वो शख्स पहाड़ी पर जाकर ही बात करता है। हम लोग ओइनी मार्केट से आए हैं, यहाँ जुगैल में काम लगाए हैं। अच्छा। यहाँ पे टावर नहीं पकड़ता है। यहाँ हम लोग पहाड़ी पे आते हैं, एक ही जगह ऐसा है कि जो टावर पकड़ता है और घर पर बात नहीं हो पाता है, और लगभग 150 फीट ऊपर चढ़ते हैं तो बात होता है। कभी कभी नेटवर्क नहीं पकड़ता है सर जी, कभी बात हो जाता है, हाल चाल हो जाता है घर पे। फिलहाल इन समस्याओं के बीच कई किलोमीटर दूर जंगल में पहाड़ी चढ़कर जाना पड़ता है, वहाँ पर नेटवर्क मिलता है, साथ ही पंचायत में सभी काम ऑनलाइन होते हैं, लेकिन गांव में टावर नहीं होने से कोई काम नहीं होता। सोनभद्र के पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक अमरिंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि जनपद दुरू पहाड़ों और जंगलों से घिरा इलाका है, जहां कई इलाकों में मोबाइल सिग्नल की समस्या पहले से है। कुल 22 थाने हैं जिसमें 10 थानों में नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 55 मतदान केंद्र पर सिग्नल नहीं होने पर वहां पर वायरलेस सेट की व्यवस्था की जाएगी, जिससे समय समय पर सूचना मिल सके। सोनभद्र जनपद, जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ की टोपोग्राफी कुछ इस प्रकार की है कि कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे घाटी है और वन क्षेत्र भी है, तो यहाँ पे मोबाइल सिग्नल्स की समस्या पहले से भी रही है। और हमारे जो 22 थाने हैं उसमें 10 थाने ऐसे हैं जिसमें छिटपुट सिग्नल की समस्या रहती है। इसमें अभी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर एग्जैक्टली बात करूं तो 55 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो कि शैडो एरिया में पड़ते हैं। इसकी पहचान हो गई है और इसका सॉल्यूशन भी हम लोगों ने निकाला है। ये वायरलेस सेट हम लोगों के पास, चूँकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए पहले से ये सुविधा उपलब्ध है कि बैकपैक सेट वायरलेस का होता है जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर लेते हैं, लेकिन जो मोबाइल सिग्नल है वो तो उसका कोई विकल्प नहीं है। अभी अलग प्रयास जारी है। हमारे जो 55 मतदान केंद्र हैं तो उसमें से एक थाना क्षेत्र है जुगैल जो कि सर्वाधिक प्रभावित है, तो वहाँ पे 14 मतदान केंद्र हैं जहाँ पे सिग्नल की समस्या है और शेडो एरिया है, तो वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। वैसे छिटपुट या कमज़ोर सिग्नल जो है और थाना क्षेत्रों में और एरियाज में रहते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।